हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एग्रीकल्चर क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश में स्थित जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, कृषि संस्थान है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। 14 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, उनको हम शॉर्ट ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। अभी तक हमने दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जितने भी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है उनके बारे में पढ़ चुके हैं, और वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कॉर्नर में आई बटन है, उस पर लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के कृषि संस्थान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। 14 कृषि संस्थान है यूपी में, जो कि हमें आसानी से याद हो जाएंगे, और कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा उत्तर प्रदेश में कोई भी संस्थान कहाँ स्थित है वो आप एक सेकंड में बता सकते हैं, और कौन सा संस्थान स्थित है वो बता सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आज हम, आज का पहला क्या है, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान IGFRI झांसी में स्थित है, ठीक है। इंडियन ग्रेसलैंड एंड फोर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट। दूसरा है हमारा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सुगर कैन रिसर्च, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR कानपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च, ठीक है। चौथा है हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IIVR वाराणसी में है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल्स रिसर्च। पांचवा है हमारा भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान IISR मऊ, मऊ ये भी यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, वहां पड़ता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सीड रिसर्च, ठीक है। ये जो पांच इंस्टीट्यूट है इनको याद करने की हमारी शॉर्ट ट्रिक्स है। अब देखिए ये सारे इंस्टीट्यूट भारतीय से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो इनकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या है हमारी, देखते हैं वो ट्रिक है हमारी। उत्तर प्रदेश के लोग 4 बजे दाल सब्जी खाने के बाद गन्ने का जूस पीते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोग 4 बजे दाल सब्जी खाने के बाद गन्ने का जूस पीते हैं, ठीक है। ट्रिक थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन एक दो बार रिवाइज करने से आपको ये पूरे संस्थान, ये जो 5 संस्थान है यूपी के, वो आसानी से याद हो जाएंगे, और किस जगह स्थित है ये भी आसानी से याद हो जाएगा। एग्जाम में पूछे जाने पर आप उसका इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिक क्या है हमारी, उत्तर प्रदेश के लोग 4 बजे दाल सब्जी खाने के बाद गन्ने का जूस पीते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोग, ठीक है, उत्तर प्रदेश के लोग से उत्तर प्रदेश से हो जाएगा हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश के लोग से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। 4 बजे मतलब चार आ रहा है, 4 से हो जाएगा चारा, ठीक है। भारतीय चारा और चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है, 4 से क्या हो जाएगा हमारा, ये भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, ठीक है। 4 बजे, बजे से हो जाएगा हमारा बीज, बजे से क्या हो जाएगा हमारा बीज, ठीक है, बीज हो जाएगा भारतीय बीज अनुसंधान संस्थान, ठीक है। दाल से हो जाएगा हमारा दलहन, ठीक है, क्या हो जाएगा दलहन, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। सब्जी से हो जाएगा हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, उसके बाद गन्ने से हो जाएगा हमारा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये पांच के पांच हमें एक ही ट्रिक से, एक ही लाइन से याद हो जाएंगे, किस जगह स्थित है ये हमें पता चल जाएगा, और कौन सा संस्थान है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक क्या है हमारी, उत्तर प्रदेश के लोग 4 बजे दाल सब्जी खाने के बाद गन्ने का जूस पीते हैं, ठीक है। ट्रिक बहुत ईजी है, कॉमन लैंग्वेज है, जिससे कि हमें आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के लोग 4 बजे बाद सब्जी खाने के बाद गन्ने का जूस पीते हैं, उत्तर प्रदेश हो जाएगा स्टेट, 4 से हो जाएगा चारा, चारागाह भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान, दाल से हो जाएगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, सब्जी से हो जाएगा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, और गन्ने से हो जाएगा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है। ये सारे के सारे यूपी में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सिक्स्थ है हमारा, 6 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 5 तक हम एक ट्रिक से याद कर लेंगे, जो कि भारतीय इंस्टीट्यूट थे, ये हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, ठीक है, यूपी में ही है, लेकिन ठीक है, 6 से 10 इनको हम एक ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है।
छठा है हमारा केंद्रीय उपोष्ण बागवान संस्थान CIHS लखनऊ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूट है? केंद्रीय उपोष्ण। ठीक है, उपोष्ण में कंफ्यूज मत होना, एक शीतोष्ण है एक उपोष्ण है, उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, ठीक है, यूपी में स्थित है, और एक है शीतोष्ण, केंद्रीय शीतोष्ण बागवान संस्थान, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसका मतलब होता है टेम्परेट शीतोष्ण। ठीक है, ये हमारा यूपी में स्थित है, केंद्रीय उपोष्ण बागवान संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर। सातवां हमारा केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान मेरठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन कैटल। एट्थ है हमारा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन एविज, एविज मतलब पक्षी। ठीक है, केंद्रीय नवा है हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट, ये भी यूपी में स्थित है, केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी। ठीक है, सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये पांच हमारे यूपी में स्थित है जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है। ठीक है, इनको इसको याद करने की क्या ट्रिक है देखते हैं, इसको याद करने की ट्रिक है हमारी, उपोष्ण कृषि वन में बकरी आदि पशु पक्षी पाले जाते हैं। ठीक है, उपोष्ण उपोष्ण कृषि वन में, ठीक है, उपोष्ण कृषि वन में बकरी आदि पशु पक्षी पाले जाते हैं, उपोष्ण से हो जाएगा हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय उपोष्ण बागवान संस्थान। ठीक है, उपोष्ण से हो जाएगा हमारा, इसमें स्टेट कैसे याद करेंगे, उसे हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उसे हो जाएगा उत्तर प्रदेश, और उपोष्ण से हो जाएगा हमारा उप से हो जाएगा, उप से हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश, और उपोष्ण से हो जाएगा हमारा केंद्रीय उपोष्ण बागवान संस्थान। ठीक है, कृषि वन से हो जाएगा हमारा कृषि वानिकी, ये रहा केंद्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, बकरी से हो जाएगा हमारा केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, पशु से हो जाएगा हमारा केंद्रीय पशु अनुसंधान संस्थान, पक्षी से हो जाएगा हमारा केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। ठीक है, ये सारे के सारे यूपी में स्थित है। ठीक है, ट्रिक क्या है, उपोष्ण कृषि वन में बकरी आदि पशु पक्षी पाले जाते हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, इससे हमारे ये पांच केंद्रीय इंस्टीट्यूट याद हो जाएंगे, हमारे केंद्रीय संस्थान याद हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, चार और बचे हैं। ठीक है, चार है हमारे, ग्यारहवा है हमारा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, VPKAS, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, अल्मोड़ा यूपी में स्थित है। ठीक है, बारहवा हमारा राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBFGR लखनऊ, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसर्च। तेरहवा हमारा राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो NBAIM, नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इंपोर्टेंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चौदहवा हमारा भारतीय फार्मिंग सिस्टम अनुसंधान संस्थान IIFSR मोदीपुरम में, ये भी यूपी में स्थित है, इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम। ठीक है, इसको याद करने की क्या ट्रिक है हमारी, ट्रिक देखिए, विवेकानंद अपने फार्म पर मछलियों के लिए दाना और कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव रखते हैं, रखते थे सॉरी, इसकी क्या ट्रिक है, विवेकानंद अपने फार्म पर मछलियों के लिए दाना और किसी उपयोगी सूक्ष्म जीव रखते थे। ठीक है, विवेकानंद से हो जाएगा हमारा विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। ठीक है, फार्म पर, फार्म से हो जाएगा हमारा भारतीय फार्मिंग सिस्टम अनुसंधान संस्थान। मछली, मछली से हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय मछली अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। ठीक है, और कृषि उपयोगी से हो जाएगा, कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव से हमारा राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो। ठीक है, तो इस ट्रिक से हम चार इंस्टीट्यूट याद कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने तीन ट्रिक देखी, तीन में हमने 14 इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ा, इन तीन ट्रिक्स को याद कर लेने से हमारे यूपी के 14 जो इंस्टीट्यूट है हमें आसानी से याद हो जाएंगे, और एग्जाम में पूछे जाने पर हम आसानी से बता सकते हैं। हमने अभी तक दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो कॉर्नर में आई बटन है, ठीक है, उस पर लिंक है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी
क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताएं और अपने फ्रेंड्स के साथ, एग्रीकल्चर फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये वीडियो आपके जेट, ICAR, BHU, ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनमें इंस्टीट्यूट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, कैसा लगा आपको कमेंट करें और अपने एग्रीकल्चर फ्रेंड के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ है, और कोई सजेशन, डाउट और कन्फ्यूज़न हो तो आप फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।